हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ब्रावो गेमर। सो गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोबारा से GTA 5। सो गाइस लास्ट वीडियो में हम लोग अपने शोरूम में बैठे हुए थे तो अचानक हमारे पास पुलिस ऑफिसर आए और उन लोगों ने हमारे को बताया कि हमारे को FIB ऑफिसर ढूंढ रहे हैं। और गाइस जब हम लोग उनके पास पहुंचे तो उन लोगों ने बताया कि हमारा एक आदमी है जिसे FIB के लोगों ने किडनैप कर लिया, मतलब उनके ही महकमे के लोगों ने किडनैप कर लिया। उन्हें छुड़ाना, अगर ना छुड़ाया तो वो गाइस हमारे मतलब जितने भी सीक्रेट्स हैं ना वो बता देगा। इसलिए गाइस यार हमारे को भी उन करप्ट ऑफिसर की बात माननी पड़ी क्योंकि उन लोगों ने भी हमारे को जेल से छुड़ाया था। और गाइस यार उन लोगों ने हमारे को और ट्रेवर और फ्रैंकलिन को ये काम भेजा क्योंकि हम लोग तीनों ये काम कर सकते थे। इसलिए गाइस यार हम लोगों ने उस किडनैपर को उनको दे दिया। अब जल्दी से हमारे को शोरूम में जाना है। देखते हैं गाइस आज मेरे को लग तो नहीं रहा कोई ज़्यादा काम होगा, लेकिन ये हमारे को जाके देखना हमारी जो सुपर कार हम लोगों ने लाई पड़ी थी वो अभी तक बिकी है या नहीं। तो गाइस यार जल्दी से अपनी गाड़ी फरारी में बैठता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। नज़दीक में ज़्यादा दूर नहीं है हमारी फरारी, ये बस ये रही है गाइस। मतलब जो हमारी मतलब जितने भी इसके ऊपर स्क्रैप वगैरह आए हुए थे ना वो हम लोगों ने अपने शोरूम की जो मतलब दुकान है ना पीछे वो रिपेयर वाली दुकान है उधर से हम लोगों ने सारी मतलब इसकी रिपेयरिंग वगैरह करा ली थी। और अब जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर हम लोगों को शोरूम में जाना है और उधर देखते हैं हमारा काम वगैरह धंधा फुल चल रहा है ना या नहीं। तो गाइस यार जल्दी से यहाँ से निकलते हैं सीधा शोरूम की तरफ। ओके तो गाइस यार हम लोग अपने शोरूम के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हैं। अब देखते हैं सीधा चल करके हमारे मतलब काम वगैरह चल भी रहा है या फ्रैंकलिन ऐसे ही बैठा हुआ है। अरे भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा लगी पड़ी है। ठीक है गाइस जल्दी से अपनी गाड़ी से उतर के अपने शोरूम के अंदर चलते हैं और देखते हैं। पहले लॉक कर लूँ भाई ऐसे। अरे भाई साहब ये देख रहे हो गाइस, अबे आए बाद में, अभी शोरूम चलाना, पहले ही भिखारी लोग आ गए। क्या क्या रहा भैया, अबे मेरे पास ना पैसे, भाई पैसे मांग रही है। अबे पहले ही लॉस में चल रहे हैं भाई साहब, पैसे शुरू में मांग रही है। गार्ड को बताता हूँ, अबे इसको बाहर भेजता हूँ, गार्ड को भेजना बताएगा। अबे भैया जी इसको बाहर भेजो, ऐसे ही हमारी गाहकी वगैरह ख़राब कर रही है। ठीक है गाइस यार मैंने गार्ड को बता दिया, गार्ड ने भी बोल दिया ठीक है हम लोग कर लेंगे। और ये हमारी मतलब इधर कस्टमर वगैरह डील कर रहे हैं, हमारे जो एम्प्लॉय वगैरह हम लोगों ने रखे पड़े इनसे मतलब बातचीत करते हैं कि कितने वगैरह हमारी सुपर कार वगैरह बिक चुकी हैं। ओके तो गाइस यार इसने बताया कि अभी बिकी तो कोई नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आए पड़े हैं। ये एक देख रहा है फरारी के लिए, मतलब जो हमारे के पास FXXK ये फरारी थी, इसके पास एक मतलब वो तो आया हुआ जो ख़रीदेगा इसको, लेकिन अभी तक किसी ने ख़रीदी नहीं है। और ये हमारी जो फरारी मतलब फरारी है ये काफ़ी बढ़िया सुपर कार थी गाइस, ये वाली सुपर कार हमारे को सबसे महंगी मिली है, ये वाली जो वाइट सी पड़ी है। और इसके पास भी कुछ एम्प्लॉय वगैरह आए पड़े हैं और ये एक और लैम्बोर्गिनी खड़ी है। ठीक है गाइस यार हमारे मतलब जितने भी सारे कस्टमर इधर आए पड़े हैं मतलब चलने वाली है हमारी ये वाला शोरूम, जल्दी से चलेगा। अंदर चल के देखता हूँ, ये एक और कस्टमर से डील वगैरह कर रहा है हमारा ऑफिसर भाई, मैनेजर रखा हुआ है इसको। यही हमारे मतलब जितने भी हमारे मतलब पैसे वगैरह बनते हैं जो भी हमारी गाड़ी बिकेगी इसके पास आएंगे और ये हमारे सीधा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है गाइस यार मतलब सारा अभी तक कोई खरीद तो रहा नहीं है, जल्दी से अपना मतलब इधर वेट करते हैं कुछ देर के लिए, शायद कोई कस्टमर आ जाए। जल्दी से इस सोफे के ऊपर बैठता हूँ गाइस। ओके तो गाइस यार काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है मुझे इधर बैठे हुए, अभी तक कोई कस्टमर वगैरह ही ना आया। मेरे को लग रहा है कि हमारे को यहाँ से उठकर जाना पड़ेगा, कोई आ ही ना रहा हमारे पास। अबे तेरी, अरे गाइस ये कोई मेरे को बिजनेसमैन सा लग रही है और हमारी तरफ ही आ रही है, इससे बात करके पूछता हूँ, जल्दी से इससे बात करनी पड़ेगी। ओके तो गाइस यार इससे मेरी बात हो चुकी है, इसने बोला है कि हमारे को एक फॉर्चूनर चाहिए जो मतलब SUV हमारे पास से ये डिमांड कर रहा है। गाइस यार हमारा मतलब जो शोरूम है इधर सारी सुपर कार ही होती हैं। ये स्टीव की कॉल आ रही, इसको पहले डिसमिस कर देता हूँ। गाइस यार ये मतलब फॉर्चूनर के बारे में हमारे से ज़िद करी जा रहा है, ये बोल रहा है कि तुम मुझे फॉर्चूनर ला के दे दो, जितने चाहो पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूँगा। अरे भाई सुपर कार का ये हमारा शोरूम है, कैसे तुम्हें मैं फॉर्चूनर ला के दे दूँ अभी तक हमारे पास पैसे भी ना। गाइस यार ये ज़िद करी जा रहा है, मतलब ये बोल रहा है किसी ना किसी तरह मुझे फॉर्चूनर चाहिए, सुपर कार तो ये बोल रहा मेरे पास भी खड़ी है और मतलब जितने पैसे ये कह रहा मैं तुम मांगोगे उतने पैसे ही दूंगा। ठीक है गाइस यार मैंने उसको हाँ कर दिया और ये यहाँ से जा रहा है, पहले देखते लूँ सुपर कार है भी या ऐसे ही छोड़ रहा था, इसके पीछे चलना पड़ेगा। अगर गाइस इसके पास कुछ सुपर कार वगैरह हुई तो फिर हम लोग फॉर्चूनर का कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे। जल्दी से इसके पीछे चल के देखता हूँ। अरे भाई साहब बाहर एक सुपर कार खड़ी है, वो भी फरारी। ये मॉडल तो गाइस हमारे पास भी नहीं है, ये आदमी जो ले खड़ा भाई साहब। गाइस ये बात तो कंफर्म हो चुकी है, ये हमारे को मतलब फॉर्चूनर के बदले में जितने पैसे हम लोग बोलेंगे उतने देने को ये तैयार हो जाएगा।
अरे ये भिखारी अब तक गया ना। नहीं गाइस यार, मतलब इधर अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा शाम भी हो चुकी है, मेरे को मतलब यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अभी तक मुझे एक गाइस मेरे को एक घर याद आ रहा है, जिधर मतलब वो एशियन का घर है बिजनेसमैन का। अभी मतलब टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, मुझे घर की तरफ जाना पड़ेगा। कल हम लोग ये वाली एक घर से हम लोग फॉर्चूनर चुरा लेंगे, शायद उनके घर में खड़ी हो, क्योंकि गाइस वो एशिया का बंदा बिजनेसमैन है, उसके पास मतलब जितनी भी एशियन कार है, एसयूवी रखता, मतलब ये सुपर कार वगैरह तो उसको शौक ही नहीं है। उस बिजनेसमैन के घर में हमारे को वो गाड़ी शायद मिल जाए चोरी करने के लिए, लेकिन उधर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट होती है। तो गाइस यार जल्दी से अपने घर की तरफ हम लोग आ चुके हैं, और मेरे को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने ज़्यादा गाइस हमारे को दिन हो चुके हैं, हम लोगों ने कोई रेस्ट वगैरह ना की। जल्दी से अपनी गाड़ी इधर गैराज में खड़ी करता हूँ। और भाई सब कुछ, और यार कोई खाना बना के भी देने वाला नहीं है घर में, क्योंकि जितने भी सर्वर वगैरह थे वो भी छोड़ के चले गए, और जीमी और जो अमांडा थी वो भी हमारे को छोड़ के चली गई है। इधर हमारे को खुद ही कोई जूस वगैरह पी के गुजारा करना ही पड़ेगा, और कोई पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लूँगा जो हम लोग खा के सो जाएंगे, या ऐसे ही सो जाऊँगा। सुबह हम लोगों को मतलब बहुत भारी चोरी करने के लिए जाना है। तो गाइस यार जल्दी से अपने मैं कमरे की तरफ चलता हूँ, मतलब थोड़ी रेस्ट वगैरह कर लूँ, इधर थकावट काफ़ी ज़्यादा हुई पड़ी है। जल्दी से अपने कमरे के ऊपर की तरफ चलता हूँ। भाई घर मतलब फुल सुनसान हुआ पड़ा है, कोई भी घर पर ना, पहले तो इधर इतना ज़्यादा शोर रहता था, जिमी अपनी गेमिंग वगैरह करता रहता था, हम लोग उसको डांटते रहते थे। तो गाइस यार जल्दी से हम लोग इधर सोते हैं, और सुबह उठेंगे फिर गाइस हम लोग जाने वाले हैं। ओके तो गाइस यार हमारा अलार्म बज चुका, हम लोगों ने 8 PM मतलब 8 AM का अलार्म सेट कर दिया था, वो इधर बज चुका है। और हमारे को गाइस यार घर से मास्क वगैरह भी उठाना, क्योंकि हम लोग उधर जाएंगे ना, पहले तो अपनी मतलब आउटफिट वगैरह अच्छी से डाल लेता हूँ, कोई शर्ट वगैरह डालने वाला हूँ, वही पैंट कोट नहीं डाल के जाने वाला, वो हमारे को पहचान जाएंगे। अरे भैया ये ब्लैक मतलब ये ब्लैक शर्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, और ये वार्डरोब भी काफ़ी बढ़िया। ओके तो गाइस यार ये वाला मास्क मैंने लगा लिया, मतलब इससे वो लोग हमारे को पहचानने वाले नहीं है, ये तो मतलब अच्छा काम हो गया। अब जल्दी से गाइस हमारे को जाना, जल्दी से भाई अपनी गाड़ी में बैठते हैं और सीधा वही वाले घर पर चलते हैं जिधर एशियन बिजनेसमैन भाई साहब, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, मतलब आसान नहीं होगा हमारे लिए चुराना, इसलिए पहले हमारे को मतलब अपनी गाड़ी में बैठते हैं। और अभी तक सुबह हुई पड़ी है, मतलब कोई बात भीड़ वगैरह नहीं है। जल्दी से अपनी फरारी में बैठता हूँ, और गाइस यार यहाँ से निकलते हैं सीधा मतलब उसके घर की तरफ। गाड़ी मिल गई तो गाइस हम लोग उसे इतने महंगे दामों में देंगे ना कि वो याद क्या करेगा। लेकिन गाइस यार एक मिनट भाई, ये फरारी हम लोग अगर लेके जाएंगे ना, तो ये हमारी फरारी से वो लोग पहचान जाएंगे कि ये माइकल की गाड़ी है, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ ये वाली फरारी हम लोग लेके नहीं जाने वाले, इसको घर पर ही खड़ा कर देते हैं। और हमारे पास एक खटारा सी बाइक पड़ी है, जो मतलब ऐसी पड़ी रहती है, हम लोगों ने जिमी को दी थी, उसने बोला मैंने नहीं इसे चलानी, मतलब वो काली वगैरह जाता है, उसका एक अलहदा ही लफड़ा रहता है। हम लोगों ने इधर अपने पास में एक बाइक खड़ी की हुई है, जिसकी भाई साहब पीछे नंबर प्लेट वगैरह भी नहीं है, जो किसी को अगर पता भी चल गया ये रही गाइस बाइक, मतलब काफ़ी ज़्यादा। अबे स्टीव की कॉल आई जा रही है, इसकी मैं कितनी ज़्यादा कॉल वगैरह अभी तक इसका मिशन हम लोगों ने मतलब कंप्लीट किया, और ये फिर हमारे को मतलब, अरे भैया हमारे काम भी कुछ होते हैं। ये वाली गाइस आप लोगों को बाइक बोल रहा था, मतलब फुल खटारा सी बाइक है, जंग वगैरह लगा पड़ा, इतनी ज़्यादा देर हो गई है इसको खड़ी खड़ी इधर। ठीक है गाइस यार जल्दी से अपना हेलमेट ऊपर ले लेता हूँ, अगर ये हम लोग मास्क लगा के बाहर गए तो पहले ही हमारे को कोई ना कोई देख के हमारे ऊपर शक करने लग जाएगा, इसलिए मैंने ये हेलमेट डाली। और गाइस यार हमारे को सीधा एमुनेशन स्टोर पर जाना है, क्योंकि जितनी भी हमारे पास गन वगैरह थी वो हम लोगों ने जब बैंक रोबरी की थी ना, बैंक रोबरी के बाद जो हम लोगों ने पुलिस की पोर्शे चुराई थी, उसके बाद पुलिस ने हमारे पास जितना भी वेपन वगैरह थे वो सभी हमारे से ले लिए थे, इसलिए हमारे पास कोई वेपन वगैरह भी नहीं है। जल्दी से अपने एमुनेशन स्टोर पर चलते हैं, उधर से कोई हमारे को गन वगैरह अच्छी सी मिल गई तो ले कर चलते हैं। अरे अरे यार भाई ऐसी फालतू में हम लोगों ने किसी को नीचे दे डाला है, और सुबह के वक्त धूप भी फुल आंखों को पड़ रही है। जल्दी से गाइस नज़दीक में, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे से। और भाई हेलमेट डाला हुआ, हेलमेट डाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यार किसी ने हमारे को मास्क पहन कर देख भी लिया कुछ ज़्यादा शक तो नहीं हमारे ऊपर करेगा, लेकिन ये मतलब सेफ्टी के लिए हम लोगों ने हेलमेट पगा रखा। ओके गाइस हम लोग फुल आ चुके हैं अमोनेशन स्टोर पर, इधर से कुछ गन वगैरह दो खरीदेंगे गन, एक गाइस हम लोग लॉन्ग रेंज खरीदेंगे और SMG खरीदने वाले हैं। जल्दी से अंदर चलता हूँ, बाइक मतलब लॉक कर देता हूँ इधर, भाई चोरी का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है जिधर भी चले जाओ। ठीक है गाइस इधर से हमारे को जल्दी से अपनी गन्स वगैरह खरीदनी पड़ेगी जो हमारे को चाहिए। और ये सामने एक मतलब मेरे को M4 तो नहीं, मैं ये SMG खरीद लूँगा। और गाइस यार जितनी भी है
और कौन सी खरीदूं भाई, ये नीचे जो गाइस ये M4 बड़ी है ना, ये खरीद लूंगा। तो गाइस ये वाली एक मैंने M4 गन खरीद ली है, और दूसरी वाली गन हमारे को SMG खरीदनी है, और इसके ऊपर हमारे को कोई मतलब भाई क्या बोलते हैं, सप्रेसर वगैरह भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इससे गाइस हमारे को जो मतलब गन की आवाज़ होगी वो कम हो जाएगी। पहले इनकी स्किन वगैरह ट्राई कर लूँ भाई, स्किन तो सारी महंगी हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हैं इसके ऊपर। ठीक है गाइस, ये पहले एक मैगजीन वगैरह और सप्रेसर ले लिया। ओके गाइस, यार ये मैंने दोनों SMG एक खरीद लिया और एक M4 खरीद लिया, उसके ऊपर दोनों के ऊपर मैंने सप्रेसर लगा दिया। अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं सीधा मतलब एशियन के मतलब एशियन घर की तरफ निकलना हमारे को, जो हमारे शोरूम के ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक में ही है। जल्दी से ये वाली बाइक लेते हैं, और इधर से हेलमेट डालना पड़ेगा। अगर हेलमेट ना गाइस मैंने डाला तो रास्ते में पुलिस वाले हमारे ऊपर खामखा में शक करेंगे। ओके गाइस, मैंने अपना मतलब हेलमेट डाल लिया है। अब जल्दी से यहाँ से हमारे को निकलना सीधा उसी के घर पर, जिधर से हमारे को एक फॉर्चूनर चुरानी है। गाइस फॉर्चूनर चुराना एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है, क्योंकि उधर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा, एक ही मसला है हमारे को, अगर सिक्योरिटी कम हुई तो हम लोग आराम से चुरा लेंगे। ओके तो गाइस यार जल्दी से निकलते हैं उसके घर की तरफ। फाइनली तो गाइस यार हम लोग उसके घर के नज़दीक में आ चुके हैं। अब उसके घर के पास हम लोग पहले ये देखने वाले कि मतलब सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा, अगर सिक्योरिटी थोड़ी कम हुई तो कोई मसला होने वाला नहीं है हमारे को, ये बात तो पक्की है। और बाइक भी हमारी मतलब कोई पहचान नहीं सका, पीछे देख रहे हो कोई नंबर प्लेट वगैरह नहीं इसके ऊपर लगी हुई, और हम लोगों ने मास्क भी डाल रखा है, इसलिए यार कोई हमारे को बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये नज़दीक में उसका घर रहा, ये मतलब हाईवे के नीचे था उसका, मेरे को आई थिंक लग रहा है। ओ भाई देख रहे हो कितना बड़ा मैंशन बना रखा है। पहले तो इधर थोड़ी देर मतलब नहीं यार, उधर आगे गाइस सामने कुछ पार्किंग वगैरह है, उधर अपना बाइक मतलब खड़ी कर दूंगा और फिर इस घर के अंदर आने वाला हूँ। अरे यार देख रहे हो गाइस, दो गार्ड इधर बाहर मतलब एंट्रेंस पे दो गार्ड खिला रखे हैं इन लोगों ने भाई, लगा रखे हैं। जल्दी से गाइस चलते हैं यहाँ पे, मैं इधर बाइक मतलब अपनी थोड़ी देर के लिए यार पार्क कर लूँगा, इधर से थोड़ी देर देखता हूँ शायद पीछे का रास्ते से हम लोग जा सकते हैं। और पीछे गाइस उसने मतलब एक हेलीपैड भी बना रखा है, जिधर भाई इसके पास हेलीकॉप्टर भी है। इधर से पता चल रहा है कि आदमी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, ये जो एशिया का बिजनेसमैन है ना। ठीक है गाइस, इधर मैं अपना मतलब बाइक लगा देता हूँ इधर, और यहाँ से निकलता हूँ सीधा। हेलमेट मतलब लगा के रखना, अभी कोई शायद हमारे को देखेगा नहीं। और जहाँ से भागकर सीधा हमारे को पहले थोड़ी देर इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, कोई हमारे पास नज़दीक वगैरह में कोई गार्ड वगैरह हम लोग देखेंगे, जिधर एक दो गार्ड हो गए तो उनको हम लोग पेल डालेंगे, अगर ज़्यादा हुए तो उनको मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। पहले उनके घर के सामने से मैं पूरी तलाशी वगैरह ले लूँ, और भाई साहब दूरबीन लगा के हमारे को वो सामने जो हाईवे रहा ना, हाईवे के ऊपर से जो आपको नज़र आ रही है लिफ्ट वगैरह क्या बोलते हैं उसको, मतलब आइडिया नहीं है क्या बोलते हैं, उधर से चढ़ के हम लोग देखेंगे अंदर उनके घर की तरफ देखेंगे, घर में मतलब कितने ज़्यादा गार्ड सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। इधर से पहले मैं देख लूँ अंदर कोई गार्ड है तो ना, एक दो गार्ड गाइस इधर रहे हैं। इन गार्ड के हाथ में भाई गन पकड़ी है, दोनों के हाथ में हैवी वाली गन है, कोई आम सी गन नहीं है इनके पास। ये वाले हाईवे के ऊपर चलता हूँ, हाईवे भाई बोली जा रहा हूँ हाईवे ना, ये इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता हूँ भाई, इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर हम लोग दूरबीन लगा कर उनके घर के अंदर देखने वाले हैं, बस कोई गार्ड हमारे को देख ना ले, अगर उन लोगों ने देख लिया ना, क्योंकि भाई उन लोगों ने फुल टाइट सिक्योरिटी लगा रखी है। इधर इधर चढ़कर देखता हूँ इधर पीछे को। ठीक है गाइस, इधर अपनी मैं दूरबीन निकालता हूँ। ओके गाइस, ये सामने ये जो हम लोगों ने दो गार्ड देख लिए थे, ये तो वही दो गार्ड्स हैं। ओके इधर मेरे को कुछ नज़र ना आ रही, इधर भी कुछ भी ना है। अबे ये भाई, अबे मैं इसको घर समझ, अरे यार स्टीव का कॉल आई जा रही है बार बार, इसका मैंने आज कॉल अटेंड नहीं करनी, ये दो तीन दिन हम लोग इसको मतलब थकाएंगे, परेशान काफ़ी ज़्यादा करेंगे, जिस तरह इन लोगों ने हमारे को परेशान किया था। इधर मेरे को खड़ा होकर देखना पड़ेगा, शायद हमारे को इधर से कुछ नज़र आ जाए। थोड़ा साइड पर हट कर देखता हूँ, इधर से दूरबीन लगाता हूँ। ओके गाइस, इधर थोड़ा जूम करके देखता हूँ। ओके इधर एक गार्ड खड़ा है जिसके हाथ में भी अभी तक कुछ भी नहीं है, मतलब अभी तक हमारे को तीन गार्ड्स वगैरह दिखे हैं। और मेरे को इधर कोई सुपर कार वगैरह लग तो नहीं, सुपर कार बोल दिया, SUV हमारे को कोई मिल ना रही। ठीक है गाइस, यहाँ से मैं दूसरे वाले, अगर दूसरी वाली छत के ऊपर चले जाऊँ ना तो मुझे क्लियर नज़र आ सकता है, इसलिए यार दूसरी वाली छत के ऊपर किसी ना किसी तरह मुझे जाने का तरीका मिल जाए ना भाई। सीढ़ियाँ, अरे इनके गैरेज में तो नहीं कोई खड़ी, यह तो कोई लुक्खों का घर लग रही है मेरे को तो। ठीक है गाइस, इधर से हम लोग देखते हैं, इधर से ऊपर चढ़ के, अबे यार ऊपर नहीं गाइस हमारे को जाया जाएगा, इधर से हम लोग निकाल के देख सकते हैं, यही हमारा फाइनल पॉइंट होगा, क्योंकि इधर से हमारे को नज़र आ सकते हैं वो लोग, अगर गार्ड कोई हुआ भी अंदर।
यार पौधे इतने ज़्यादा लगा रखे हैं इन लोगों ने, कोई नज़र ही ना आ रहा घर में। वो तीन गाड़ी हमारे को दिखी हैं गाइस, जल्दी से वो एक गाड़ी के पास से निकलता हूँ। इधर इधर से यार जाना पड़ेगा मेरे को, अपना मास्क लगाना पड़ेगा, हेलमेट उतारने वाला हूँ क्योंकि वो लोग बोलेंगे भाई हेलमेट क्या कर रहा है भाई, भागते भागते तेरा एक्सीडेंट हो गया, तो हेलमेट भाई भागते हुए अच्छा नहीं लग रहा। इधर अपना हेलमेट उतार देता हूँ। ओके गाइस, मैंने अपना हेलमेट उतार दिया इधर, और मतलब अपना मास्क वगैरह मतलब डाल लिया इधर। वो लोग वैसे भी समझेंगे ये लोगों को डराने आया होगा क्योंकि ये बीच के ऊपर उन लोगों ने अपना घर बनाया हुआ है। मेरे को बीच में मतलब समुंदर में कूद के दूसरी तरफ जाना, दूसरे वाले पॉइंट पर, दूसरे वाले पॉइंट पर जिधर हेलीकॉप्टर वगैरह ना हेलीपैड का वो हेलीपैड है, उधर हमारे को मतलब थोड़ी देर के लिए इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, शायद उधर से हमारे को कोई मिल जाए। उधर से फिर हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे और अंदर से भाई उन लोगों को पेड़ डालेंगे, कुछ ज़्यादा मसला नहीं होने वाला। अभी समुंदर के अंदर से कूद के जाना, अंडरग्राउंड होकर जाना पड़ेगा, अभी कूदना रहा नीचे से कूदाना पड़ेगा मेरे को। बस स्विमिंग देख रहे हो कितनी प्यारी कर रहा है माइकल, फुल गुंडा लग रहा है जैसे हम लोगों ने इसको मास्क डाल लिया। ठीक है गाइस, हम लोग कुछ देर के लिए अब अंडरग्राउंड हो गए, मतलब वो वाला अंडरग्राउंड नहीं, क्राइम करके हम लोग कुछ देर के लिए दुनिया की नज़रों से अंडरग्राउंड, ये मतलब पानी के अंडरग्राउंड हम लोग हो चुके हैं। इधर मैं पहले छुप कर देखने वाला हूँ क्योंकि इधर कोई ना कोई गार्ड तो मेरे को शक पड़ रहा है, हर तरफ उन लोगों ने ओ भाई इधर गाइस एक मेरे को गार्ड नज़र आया है। हेलीपैड के नीचे से जाना पड़ेगा दूसरी तरफ से मेरे को, और इधर एक कैमरा भी लगा हुआ है। कैमरा कैमरे की हमारे को टेंशन नहीं क्योंकि हम लोगों ने मास्क लगाया हुआ है और वो हमारे को पहचान भी नहीं सकते। इधर से मेरे को देखना पड़ेगा कोई शायद ऊपर की तरफ गार्ड हो, वो खड़ा भाई वो बे बे भाई गन लेके खड़ा इसके ऊपर। मैंने मतलब हल्का सा भी हम लोगों ने कोई होशियारी की ना, इसके ऊपर एम भी किया तो ये हमारे को पेड़ डालेगा। यार देखना पड़ेगा शायद हम इनको मार डालें, इसके ऊपर एक बार एम करके देखता हूँ। ए ओबे, अरे गाइस ये हमारे ऊपर मतलब एम हमारे ऊपर शूट करने ही लगा था, इसका पाँव फिसला और सीधा नीचे आके गिरा। इसके पास चल के इसकी गन उठा लेता हूँ, मेरे पास जो गन है उसमें एमओ कम है गाइस, एमओ ख़रीदना मेरे को याद नहीं रहा यार, ये मेरे के एक गलती हो गई है। इसकी गन है कौन सी बे, अरे यार SMG गन इसने मतलब पकड़ रखी थी, जो मतलब मिनट में मतलब आधे सेकंड में मतलब 10 गोलियां 20 गोलियां निकल जाती हैं उसमें से, इतनी बुलेट कैपेसिटी है उसमें से निकालने की। और ऊपर ऊपर तो गाइस अभी तक कोई नहीं है, और एक गार्ड, अरे यार दो गार्ड वो सामने भी खड़े हैं, एक गार्ड नीचे खड़ा है, दो गार्ड उधर खड़े हैं, और गैराज के पास उन लोगों ने इतने ज़्यादा गार्ड लगा रखे हैं कि क्या बताऊँ आप लोगों को। इसको पीछे चल के मेरे को मतलब मारना पड़ेगा किसी को ताकि पता ना चले, यार आराम से बस पीछे ना देख ले। अबे पीछे देख लिया, अबे तेरी तेरी भैंस की टांग। इसको हाथों से मतलब पाँव से मारना पड़ेगा, वो लोग नहीं हमारी बात सुनने वाले क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं। और यार उठने लगा था गाइस, यार मेरे को अपना मतलब चाकू निकालना ही पड़ेगा क्योंकि अगर हम लोग इसको चाकू मार देते ना तो ये आराम से मर जाता था। अबे चाकू निकाल बे, क्या कर रहा है तू। ओके गाइस चाकू मैंने निकाल लिया, अब आगे दो गार्ड्स खड़े हैं, तीसरा वो गार्ड खड़ा मतलब इधर जो गैराज है ना इनका, इधर तीन गार्ड खड़े हैं इन लोगों ने खड़े कर रखे हैं, और पीछे कैमरा भी हमारे ऊपर फुल देख रहा है। कोई बात नहीं, देखने दो इनको, कोई पता नहीं चलने वाला। भाई पांच गार्ड खड़े हैं इधर, अबे इनको मारूंगा कैसे मैं भाई, गन निकाल लूँगा, SMG निकाल के इनको पेलने वाला हूँ आगे चलकर, बस कोई हमारे को पीछे देख ना ले। मतलब अपनी मस्ती में सभी गार्ड खड़े हैं। अरे यार गाइस यार, अबे गोलियां ना चलानी थी, अबे तेरे को पेलना पड़ेगा जल्दी से गाइस यार, इनको मेरे को मारना पड़ेगा। अबे क्या हो गया अबे। ओके गाइस यार इन जितने भी थे उनको मैंने निपटा डाला, अब एक रह चुका है भाई, इनको मैंने कैसे निपटा दिया गाइस यार। इनका मतलब जितना भी एम है ना निशाना वगैरह वो गलत था, एक दूसरे को ही पेल डाला इन लोगों ने, पागल है। मेरे को लग रहा है कि इन लोगों की एक दूसरे के साथ दुश्मनी होगी। और सामने गाइस देख रहे हो एक फॉर्चूनर और दूसरी हमारे पास एक रेंज रोवर खड़ी है, और फुल स्टील मतलब इतनी महंगी ये एक्सपेंसिव गाड़ियाँ होती है क्या बताऊँ आप लोगों को। और अंदर इन लोगों ने दो बाइक भी खिला रखी हैं, मतलब तीन बाइक हैं इनके पास और तीनों ही सुपर बाइक हैं गाइस, मतलब इनको SUV गाड़ियों रखने का शौक है और बाइक इनको सुपर रखने का शौक है। ये वाली गाड़ी निकालनी पड़ेगी बाहर, मुझे कुछ सायरन की आवाज़ आ रही है। और भाई इन लोगों ने देख रहे हो मतलब शोरूम के सामने कितनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी लगा रखी थी, मैं भी कहूँ भाई बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड नज़र नहीं आ रही, और इधर पांच पांच सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं। अरे भाई, अरे गाइस ये स्कॉर्पियो एन खड़ी और दूसरी लैंड क्रूज़र। अरे भाई यार ये अगर मैं फ्रैंकलिन को साथ ले आता ना तो दो तीन गाड़ियां हम लोगों ने ऐसी मतलब साइड पे कर लेनी थी।
लोगों को तो मार डाला, लेकिन गाइस यार आगे दो सिक्योरिटी गार्ड अब भी खड़े हैं। अगर उन लोगों ने हमारे ऊपर देख लो तो वो सीधा गाड़ी के ऊपर गोलियां ठोक डालेंगे, जिससे गाड़ी तबाह भी हो सकती है और गाड़ी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच भी आ सकते हैं, क्योंकि ये सिल्वर कलर की गाइस गाड़ी है, मतलब सिल्वर इन लोगों ने फुल पेंट करा रखा, जो काफ़ी ज़्यादा महंगा पेंट होता है, और इसलिए गाइस यार मेरे को उनको पास चल के मारना पड़ेगा। बस थोड़ा नज़दीक में चलता हूँ, ये पौधों के बीच बीच में होकर हमारे को दूसरी तरफ जाना है। ये सामने एक गार्ड, दो गार्ड है, कुछ देर के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, शायद वो इधर उधर को जाएं, क्योंकि एक जगह पर इतनी ज़्यादा देर तक इंसान खड़ा ही नहीं हो सकता। ओके गाइस, दूसरी तरफ ये जा रहा है, मुझे पीछे छुप के जल्दी से इन पौधों के ऊपर छुपना पड़ेगा। अबे तेरी माँ की यार, शुक्र है गाइस यार ये हमारे मतलब देखा नहीं है इसने हमारे को। जल्दी से ये थोड़ी सी दूर को जाएगा ना तो हम लोग, अबे पास में ही आ रही है शायद, देख तो नहीं ला इसने। अरे यार गाइस यार, अबे देख लिया, अबे तेरी, इसको पेलना पड़ेगा भाई। आर्मर इन लोगों का देखा, मतलब दो तीन मैंने चाकू मार डाले हैं, अभी तक ये मरा नहीं था। वो सामने एक सिक्योरिटी गार्ड रहा, इससे मेरे को भी बच कर जाना पड़ेगा। बस ये देखना ले, गन की जो गोलियां थी उनकी ज़्यादा आवाज दूर तक नहीं जाती, हम लोगों ने पहले भी ट्राई किया था इन गन से। ओके गाइस, अभी तक उसने देखा तो नहीं है। फॉर्चूनर लेके हमारे को सीधा यहाँ से निकलना पड़ेगा, पहले तो इस घर से निकलना पड़ेगा किसी ना किसी तरह। शायद ये इन लोगों ने GPS लगाया हुआ हो, और GPS इन लोगों ने लगाया पड़ा हुआ ना तो भाई हम लोग फंस जाएंगे, इसलिए हम लोग रिस्क को पक्का नहीं लेने वाले। अपने शोरूम में तो पक्का नहीं लेके जाने वाले, ना अपने घर पर लेके जाने वाले हैं, कुछ ऐसी जगह पर लेके चलते हैं गाइस यार जिधर से पुलिस को शक भी ना हो। तो गाइस वो जगह एक ट्रैवर की है, तो गाइस यार जल्दी से हम लोग अपने ट्रैवर दोस्त के घर पर ये गाड़ी लेके चलते हैं और उसे सरप्राइज़ देते हैं। हम लोग उसके पास पहुँच चुके हैं। ओके तो गाइस यार मुझे काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, क्योंकि उसके घर का सफ़र इतने ज़्यादा दूर है ना, ये हमारे को फुल रात हो चुकी है, और अब हमारे को उसके घर पर लेके जाना पड़ेगा। अभी गाइज मैंने उसको इन्फॉर्म भी नहीं किया, पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होने वाला ये वाली गाड़ी देखकर। ऑब्वियसली बात है कि हम लोग उसको ये वाली गाड़ी नहीं देने वाले, हम लोग उसके गैराज में कुछ देर के लिए खड़ी करने वाले हैं, और बाद में हम लोग इसको मॉडिफाई वगैरह करवा के ना अपने शोरूम में ले जाएंगे। और जितने भी अगर इसके अंदर GPS वगैरह भी होगा ना तो उसको ख़त्म करवा के गाइज हम लोग मतलब कल ही हम लोग मैकेनिक को बुलवा लेंगे। अभी तो मेरे पास अंधेरा हुआ पड़ा, और इधर उधर से ट्रेन भी ना आ रही हो, अगर ट्रेन आ गई ना एक गाड़ी पेड़ डालेगी हमारी। मेरे को लग नहीं रहा कि आसपास में कोई ट्रेन वगैरह होगी। ओके गाइस जल्दी से अब हमारे को ट्रैवल का रिएक्शन देखना पड़ेगा, शायद वो हमारे को अपने घर पर ठहराए बिना। लेकिन पिछले वाले विशन में गाइस हमारी दोस्ती कुछ हद तक ठीक रही थी, उसने हमारे साथ मिलकर काम किया था, उसको भी पैसे मिले थे, अगर ज़्यादा उसने हमारे को बोला तो उसको कुछ पैसे हम लोग दे देंगे। मैंने सायरन तो मारा, अभी तक बाहर तो नहीं निकला। ठीक है गाइस, इधर मैं अपनी गाड़ी बंद करके अंदर की तरफ निकलता हूँ। अबे चाकू अंदर रख ले, उसने चाकू देख लिया तो हमारे को वैसे ही ज़िंदा खा जाएगा। चाकू मेरे को उठाना पड़ेगा गाइस इधर से। ओके गाइस जल्दी से अब अंदर चलते हैं। अब भाई साहब ड्राइवर पता नहीं क्या बोलने वाला, ये तो अंदर चल कर ही पता चलेगा हमारे को। ओके गाइस अंदर आ चुके हैं। अरे यार ये खाना पका रहा है, अब ये अपने हाथ से कुछ काम ना कर रही है, अब इसके ऊपर हालात ऐसे आ चुके हैं, खुद खाना पका रही है, इससे जल्दी से बात करनी पड़ेगी। अबे इधर हूँ मैं, किधर देख रही है तू? ओके गाइस यार जल्दी से, मैंने मास्क उतार दिया, ये बोल रहा था मास्क तो उतार, तू है कौन? जब मैंने बोला कि माइकल, तो यार ये बोल रहा है कुछ देर अबे सब्र कर ले, मुझे अपना खाना वगैरह बनाने दे। अरे भाई खाना बाद में बना लो, पहले मेरी बात सुन ले। ड्राइवर भाई मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पास आया हूँ यार, ये खाना पकाने में मसरूफ़ हुआ पड़ा, यार मेरी बात सुन लो। ओके गाइस यार ये बोल रहा है बताओ क्या मसला है तुम्हारे को। अरे ड्राइवर यार क्या बताऊँ तेरे को, मेरे एक गाड़ी लाया हूँ जो यार मैंने चोरी करके लाई है यार। गाइस यार इससे मेरी बात हो चुकी है, ये मेरे को बोल रहा है कि मैं कोई वगैरह आपकी गाड़ी नहीं इधर रखने दूंगा, पहले भी तूने ऐसे मुझे पिछा रखा। अरे यार मैंने इसको मतलब कन्वेंस कर लिया, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोबारा तुम्हारे साथ। तो गाइस यार इसने बोला है ठीक है मैं तुम्हारे पास चलता हूँ, तुम्हारे साथ ही हमने देखता हूँ पहले गाड़ी है कौन सी है, ये हमारे साथ आने वाला है, और ये बोल रहा है कि तुम मेरी गाड़ी जो तुम्हारी गाड़ी है वो मेरे गैराज में खड़ी कर सकते हो। लेकिन गाइस इसने एक शर्त पे बोला कि कोई लफड़ा होगा तो मैं तुम्हारा नाम लगा दूंगा। अरे इसको हम लोगों ने समझा लिया, कोई लफड़ा नहीं होने वाला, बस रात के वक्त हम लोग इधर ही रुकेंगे। इसने गाइस हमारे, अबे बैठ के जरा भाई, ऐसे बैठ रहा है जैसे हम लोग इसके ड्राइवर हों। इसकी कोई बात नहीं गाइस यार, हमारे को मतलब कुछ देर के लिए गधे को बाप भी बनाना पड़ता है, इसलिए ड्राइवर तो है ही हमारा दोस्त है, इसकी बात भी मान लेते हैं। ठीक है गाइस जल्दी से इसे मतलब इसके जो गैराज है सामने खड़ा है, इसके अंदर अपनी गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं, और यार इसको कुछ वगैरह पैसे भी दे देंगे क्योंकि ये हमारी मतलब मदद भी कर रहा है।
इसका बड़ा रिस्क उठा रहा। रिस्क क्या उठा रहा भाई, घंटा रिस्क उठा रही है ये बोल रहा है अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो तेरा नाम लगा दूंगा। कोई बात नहीं गाइस यार, जल्दी से गाड़ी से निकलते हैं क्योंकि गाइस यार अब रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मेरे को इससे बात करनी पड़ेगी, शायद ये हमारे को अपने घर में स्टे करवा ही ले। इससे बात करके पूछता हूँ, अरे ड्राइवर भैया रात इस तरह मैं रह सकता हूँ या ना? अबे बोल रहा रह ले कोई बात नहीं, लेकिन हमारे को पैसे चाहिए। अबे ये होटल वालों से कम ना है गाइस, हर बात के पैसे मांग रहा है घर पर, गाड़ी खड़ी करने के पैसे ना मांगा इसने और इस बात के पैसे मांग रहा है कि तुम मेरे घर में रहोगे। तो गाइस यार आज की रात यहीं पर गुजारते हैं। ओके तो गाइस यार आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।